पुरानी पेंशन बहाल कराने के लिए एक साथ आंदोलन के रास्ते पर आए राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व केंद्रीय कर्मियों ने पेंशन को लेकर दोहरा कानून स्वीकार न करने की चेतावनी दी है। गुरुवार को सभी जिलों में धरने पर बैठे कर्मचारियों व शिक्षकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजकर जीएसटी के एक राष्ट्र एक टैक्स के फार्मूले की तरह एक राष्ट्र एक पेंशन की नीति लागू कराने की मांग की है। उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के बैनर तले राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों के विभिन्न संगठनों ने एक साथ आकर गुरुवार को पुरानी पेंशन की मांग उठाई। बताइए कि सरकार से सिर्फ एक ही मांग है आप लोगों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, या और भी कई मांगे हैं? अच्छा, जहाँ तक पुरानी पेंशन बहाली मंच का मामला है तो वहाँ पर तो एक ही मांग है, लेकिन चूंकि मैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधि हूँ जिसमें 32 लाख के करीब कर्मचारी हैं, तो हम लोग उसमें जो मिनिमम वेज बढ़ाने की बात कही है, ट्रीटमेंट फार्मूले को भी दुरुस्त करने की बात की है, और जो पेंशनर्स को ऑप्शन नंबर 1 था उसको बहाल करने की बात की है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के राज्य कर्मचारी, शिक्षा, केंद्र सरकार कर्मचारी दिसंबर में एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में करेंगे। सरकार मान जाएगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो फिर तमाम लोग मिल करके एक हड़ताल का निर्णय लेंगे और एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात। लखनऊ के इको गार्डन में लाखों की संख्या में आए कर्मचारियों और शिक्षकों ने धरना दिया। आंदोलन में राज्य कर्मचारियों के साथ आए केंद्रीय कर्मियों ने भी पुरानी पेंशन के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। 1 अप्रैल 2008 के बाद प्रदेश में जितने भी कर्मचारी शिक्षक मिले शिक्षक नीति में नियुक्त हुए हैं, सरकार ने उनकी पुरानी पेंशन समाप्त, पेंशन जो है वो शेयर पर आधारित है, 13 साल जितने में जा रहे हैं। आज तक जो एनपीएस है वो शेयर की स्थिति बड़ी खराब है, और जहाँ तक सरकार का एक अंतिम शामिल होता है उसमें कैक की रिपोर्ट आई है सीए जिसमें 700 करोड़ का घोटाला। सरकार से आपको कोई आश्वासन मिला है आपकी मांगों को लेकर के? पुरानी पेंशन बहाल करेगी, ऐसा है या सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, या के विधायक, मंत्री, एमपी, चाहे दोनों प्रदेश और केंद्र की दोनों मंत्री, ये सब लोग जो है पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, इतना तक कि 2-2, 3-3 पेंशन ले रहे हैं। और राज्य कर्मचारियों की, शिक्षकों की जहां बात आती है, ये लोग देने में कोताही कर रहे हैं। ये हम पूरा आशा विश्वास के साथ कहते हैं कि अगर ये मांग हमारी नहीं मानेंगे तो हम शिक्षक कर्मचारी अधिकारी इनकी नींव हिला देंगे, और हमको विश्वास है कि जब तक इनकी कुर्सी हिलने नहीं लगेगी तब तक ये देने वाले भी नहीं है। और हम पूरा आशा विश्वास के साथ कहते हैं कि इनको माननी ही पड़ेगी, हर हाल में हमारी मांग माननी पड़ेगी। अगर नेता एक दिन के लिए भी अगर विधायक एमपी एमएलए हो जाता है तो उसको पेंशन आजीवन मिलता है, और कर्मचारी 30 से 35 बरस तक जो है सेवा देता है उसको बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं होता है, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी आप जानते हैं, जैसा कि जो कमाता है उसी की पूछ होती है, उसी की सेवा की जाती है। जब हमारे पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं रहता है तो हमें अपने बाल बच्चों और घर से भी जो है अनादर होता है, और इसलिए हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं रह जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो ओपीएस है वो बहाल हो। कहना है आज की इस धरना प्रदर्शन के बारे में, जैसा कि अभी जानकारी मिली है कि सरकार ने आपके प्रतिनिधियों को बुलाया है वार्तालाप करने के लिए, आपको क्या लगता है कि वार्तालाप सफल होगी या इस धरना को आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको? सरकार चेत जाए और वो अपना वादा ना करे और बार बार हमारे प्रतिनिधियों को बुलाया नहीं, बल्कि ऐलान करे कि हम आज पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग आने वाले दिनों में चक्का जाम कर देंगे और सारी सड़कें जाम कर देंगे, सारी व्यवस्था ठप कर देंगे और सरकार को घुटनों के बल ला देंगे। जब आप लोग चक्का जाम करेंगे, आपके अध्यक्ष का कहना है कि हम गांधीवादी तरीके से, शांति तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, क्या आपके ही कुछ प्रतिनिधि कहते हैं कि हम हिंसात्मक भी कर सकते हैं, क्या आप हिंसा को इसमें जायज मानते हैं? नहीं, बिल्कुल हिंसा कहीं भी नहीं होगी, लेकिन चक्का जाम करने से कोई हिंसा नहीं होती है। हमें उनकी व्यवस्थाओं को, यदि वो हमारी पुरानी पेंशन नहीं बहाल करते हैं तो हम उनकी भी सेवाओं को बंद करेंगे, उनको बाधित करेंगे और उनको इसके लिए मजबूर करेंगे कि वो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें। राज्य के प्रधानमंत्री हैं, राज्य के प्रधानमंत्री हैं।
हम लोग कई बार अटेवा है उसके माध्यम से, पुरानी पेंशन बहाली मंच के माध्यम से कई बार हमने प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों को ज्ञापन दिया है। और इसके पहले पूर्व सांसद वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मई 2013 में उन्होंने खुद अपने पैर पे लिखा था, बड़ी अच्छी तरीके से उसमें समझाया भी था कि एनपीएस अच्छी नहीं है, ओपीएस अच्छी है। लेकिन सर जब इनकी सरकार बनी तो आज इनकी बात अपने वादा भूल गए हैं। केशव मौर्य जी भी नहीं लिखा था, आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी नहीं लिखा था। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।